हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज हम लोग जा रहे तुंगनाथ जी की ट्रेक पे। हावड़ा से कुंभ एक्सप्रेस पकड़ के हम लोग पहले पहुँचे थे हरिद्वार। हरिद्वार पे एक रात स्टे किया। उसके अगले दिन हम लोग जो बोलेरो कार हायर किए थे उसको पकड़ के हम लोग पहुँच गए चोपटा। हरिद्वार से सुबह के 7 बजे निकले और रास्ते में देवप्रयाग, धारी देवी और ऊकी मठ होते हुए हम लोग चोपटा पहुँचे। पिछले वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। हम लोग अभी पहुँच गए चोपटा। यहाँ से तुंगनाथ का ट्रैक स्टार्ट होता है। ये देखिए पीछे ये जो गेट है यहीं से स्टार्ट होता है। हम लोग थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद सीधा ट्रैक पे। इधर वाला जो रास्ता है ये ऊकी मठ जाता है, हम लोग यहीं से आए हैं। और इधर का जो रास्ता है ये बद्रीनाथ जाता है गोपेश्वर होते हुए। हम लोग तुंगनाथ का दर्शन करने के बाद इसी रास्ते से जाएंगे। हम लोगों का गाड़ी जो है इधर पार्किंग है, इसी पार्किंग में है। और ये पीछे जो होटल है यहाँ से थोड़ा नाश्ता कर लिया। और ये पीछे जो ट्रैक दिख रहा है यहीं से हम लोग तुंगनाथ का ट्रैक स्टार्ट करेंगे। यह अभी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं ट्रैक। ये वाला रास्ता है, इसी रास्ते से जाके ट्रैकिंग का स्टार्ट होता है। ये आगे जा रहा है मेरा पूरा पलटन। इन सभी के साथ आज तुंगनाथ जी की दर्शन करेंगे। तुंगनाथ का चढ़ाई अभी स्टार्ट हो गया है। माँ को मैंने घोड़ा पे बिठा दिया। ये जा रहा है, देखिए वहाँ से खाली यात्रा की चढ़ाई है। हालत ख़राब हो गया। यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है। ये चढ़ाई बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। अभी आगे जाके देखते हैं कैसा है। और बाय द वे हम लोग जो कार हायर किए थे हरिद्वार से वो एक 8 सीटर बोलेरो कार है। कार का जो रेंटल टैरिफ है वो 5,500 करके है डेली बेसिस पे। वैसे तो अभी यहाँ पे रेट काफ़ी हाई चल रहा है, लेकिन हम लोग जिनके साथ आए हैं संजय जी वो हमसे कम करके लिया है। आप लोग अगर यहाँ पे घूमने आए तो उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं उनके साथ इससे पहले भी यात्रा कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे फूल लगा हुआ है। किस चीज़ का फूल है पता नहीं, लेकिन दिखने में काफ़ी सुंदर है। और मेरे साथ मेरा एक सामान भी है, बहुत बड़ा सामान, जिसके वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। व्यूज भी काफी अच्छा है। थोड़ा दूर चलते ही ये एक नजारा है, देखिए। ये देख के पूरा थकान दूर हो गया। बहुत ही सुंदर जगह है, ये एक बुगियाल टाइप का है।
कल बारिश हुआ है इसलिए थोड़ा पानी है। ये किनारे तक अभी नहीं जाएंगे क्योंकि थोड़ा एनर्जी बचाना है वो तक जाने के लिए। लौटते टाइम पे एक बार ज़रूर जाएंगे। इधर में खाने का पॉइंट है, वहाँ पे चाय वगैरह ऐसा मिलता है। और ये जो है ये ट्रैक है, हम लोग उधर से आए हैं। ये ट्रैक ये सीधा तुंगनाथ तक जाते हैं। ये हेलीकॉप्टर शायद केदारनाथ तक जा रहा है। हम लोग थोड़ा सा ऊपर आ गए, ये सामने पीक दिखाई दे रहा है। ये देखो पीक है। सुंदर है ये जगह। हाँ ये इधर से हम लोग आए, ये नीचे से भी रास्ता है, उधर से घूम के इस तरफ से आ रहा है, आके ये सब बैठा हुआ है, सब मेरा पूरा पलटन आधा आगे चला गया। और ये है रास्ता, ये सीधा जाके फिर वहाँ से होते हुए इधर से जाके फिर उधर ऊपर है तुंगनाथ। चलिए, बहुत देर मैं लेके चला, अभी बोल रहे मैं भी थोड़ा चलूँ खुद ही, इसलिए गोद से उतर गए खुद ही, अभी चलने लगे। वाह, ऐसे ट्रैक तो ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है, लेकिन मेरे को थोड़ा दिक्कत हो रहा है, फिर भी चल जाएंगे, बाबा का नाम रहती है। चलो चलो, थोड़ा ऊपर ये है जूम द्वार, ये जो छतरी दिख रहा है ये जूम द्वार है। और इसके ऊपर से देखिए ये जो पीक है, कितना कमाल का लग रहा है दिखने में। उस साइड में थोड़ा धूल में थोड़ा बादल भी है, मैं थोड़ा थक गया, ये भी थक गया, मैं बैठ के थोड़ा क्या कर रहा है पता नहीं।
कुछ ना कुछ तो करता ही होगा। बाकी टीम का इंतजार कर रहे हैं, वो लोग आएंगे तो फिर आगे जाएंगे। अभी आ गए और 1.5 किलोमीटर बाकी है। देखिए ये दूर पर्वत दिख रहा है। अभी लगभग पहुंच गए मंदिर के करीब और 1/2 किलोमीटर बचा हुआ है। सब लोग आ रहे हैं, हम लोग इधर में थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। ये आगे वो जो पताका दिख रहा है वहीं पे शायद मंदिर होगा, मेरे को भी ठीक से अभी पता नहीं चल रहा है, वहाँ पे जाके देखता हूँ। यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है, अति सुंदर। मंदिर और कितना दूर है भाई साहब? यहाँ नेक्स्ट मोड़ से दिख जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है। ये अभी मंदिर दिख रहा है, हम लोग मंदिर के करीब आ गए। ये जो रास्ता दिख रहा है ये रास्ते से जाके फिर यहाँ से देखे यहाँ जाके इधर में है मंदिर। इस रास्ते से आए ये गणेश जी का टेम्पल है, हम लोग आ गए गणेश जी के टेम्पल तक। अभी मंदिर के एकदम नज़दीक आ गए, ये सामने मंदिर दिख रहा है और 500 मीटर के करीब रह गए, 500 मीटर या उससे भी कम होगा। अगर आप लोग घोड़े से आएंगे
तो घोड़ा वाला आपको यहाँ तक छोड़ देगा। अभी पहुँच गए तुंगनाथ पे। हाँ, जैसे ही पहुँचे पूरा तुंगनाथ फॉग से घिर गया। ये देखिए ये सब फॉग है। और ये देखिए ये तुंगनाथ टेम्पल है। ये वाला रास्ता जो है ये चंद्रशिला की ओर जा रहा है। पहले तुंगनाथ जी का दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद वहाँ भी जाएंगे। ये देखिए इधर लिखा हुआ है तुंगनाथ टेम्पल। चंद्रशिला 1 किलोमीटर है। अभी देखते हैं कितना किलोमीटर है ये। और देखिए अभी थोड़ा देर पहले व्यू कुछ अलग था, अभी पूरा बादल से घिर गया और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए पूरा घिर गया बादल से। तुंगनाथ मंदिर, इधर में जूता उतरना पड़ेगा। और मेरा बेटा अभी सो गया है। मंदिर का गेट अभी तक खोले नहीं। अरे 2 बजे खुलेगा, अभी 1:30 बजा है। हम लोगों का ये ट्रेक स्टार्ट किया था 8 बजे और 1:30 बजे मंदिर पहुंचा। ठीक है, लगभग ठीक ठाक ही है, इतना टाइम तो लगता ही है। अभी पूजा चल रहा है, 2 बजे के बाद हम लोग पूजा दे पाएंगे। हम लोग अभी तुंगनाथ से दर्शन करके पूजा देके बैठे हुए हैं। वो बहुत जोर की बारिश हो रहा है और बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी हो रहा है। स्नोफॉल तो नहीं बोलेंगे, ये बर्फबारी है। ये देखिए एक मेरे पैर के सामने भी आया। ये देखिए ये बर्फबारी हो रहा है। अभी देखते हैं अगर बारिश रुक जाए और मौसम साफ हो तो ही चंद्रशिला जाएंगे, नहीं तो चंद्रशिला जाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। अभी देखते हैं क्या होता है, उसी के ऊपर हम लोग अपना डिसीजन लेंगे। देखिए पूरा बारिश हो रहा है और जोर से। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये बारिश कब होती है पता नहीं। अभी बहुत जोरों से बारिश हो रहा है और अभी देखिए इधर में मैं ही सोच रहा था कि मैं ही सबसे छोटा बच्चा लेके आए हैं, लेकिन ये देखिए मेरे पीछे है, ये 4 महीने का है, इसको भी लेके आया है। ये लोग कानपुर से आए हैं। देखिए अभी बारिश रुकेंगे, बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है। देखिए अभी बारिश रुकेंगे तो हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे। अभी थोड़ा सा बारिश रुक गया है,
ये देखिए ये वाला व्यूज देखने के लिए सबसे तरस रहा था। ये देखिए हम लोग ऊपर होंगे और बादल हम लोगों के नीचे होंगे। ये देखिए ये है, ये थोड़ी देर पहले पूरा भरा हुआ था, अभी कट गया है। पूरा नीचे पूरा भरा हुआ था ये वाला, उधर में थोड़ा सा है। देखिए बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा था जिसकी वजह से ऊपर में थोड़ा रुक गए। यहाँ पे ठंड भी बहुत है, बीच में थोड़ा सा धूप निकला था तो उसी में मैंने अपना स्पीड उठाया और नीचे तक आ गए। बाकी जो मेरा टीम मेंबर है वो अभी तक आए नहीं, उसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ। वो लोग आ जाएंगे तो उसके बाद मैं जाएंगे कल्पेश्वर या फिर बद्रीनाथ, जो भी होगा उधर ही जाएंगे। तो बने रहिए नेक्स्ट एपिसोड के लिए।